साउंड प्रूफ्स के आधार पे दिशा सालियान मर्डर केस और सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस, दोनों केस जो कनेक्शन बताया जा रहा है, और खास करके जो प्रूफ्स दिए गए हैं उसके आधार पे आदित्य ठाकरे और एंड अदर्स का कस्टोडियल इंटरोगेशन, मतलब उनको अरेस्ट किया जाए, हिरासत में लेकर पुलिस कस्टडी में उनका इन्वेस्टिगेशन किया जाए। हॉलीवुड ने 2020 के बाद सुशांत से लेकर ना जाने कितने लोगों को खो दिया, पर एक और बड़े डायरेक्टर आज हमारे बीच नहीं रहे हैं और इनकी डेथ जिस तरीके से हुई है आजकल ये कॉमन होता जा रहा है और खास करके पूरी दुनिया में कॉमन हो रहा है। मामला क्या है बताएंगे आपको डिटेल में, पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपको बता दिया जाए कि इंडस्ट्री के अंदर सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद कई लोगों को हमने खो दिया और सबसे ज़्यादा जो वजह निकल के आती है लोगों के जाने की, वो भी इंडस्ट्री के अंदर किसी ने गलत कदम उठा दिया। कोई इंसान सब गलत हो जाता है, मामला मिस्टीरियस हो जाता है और कहीं ना कहीं किसी के वो हार्ट अटैक आ जाता है। हार्ट अटैक के मामले बहुत आए हैं, इंडस्ट्री हो या आम जनता हो, हार्ट अटैक के मामले कोविड-19 जब से हुआ है उसके बाद से बहुत निकल के आ रहे हैं सामने। अब कहा जा रहा है कि पहले सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला जो मिस्टीरियस मामला बना हुआ है जिसमें जांच हो रही है, सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया सामने निकल के आ चुकी है, रिया से लेकर ना जाने कितने लोगों पर सवाल उठ रहे हैं, नेता हो अभिनेता हो सबके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं पर बात करें तो दूसरी तरफ लगातार लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, जहां पर सिद्धार्थ शुक्ला से लेकर राजू श्रीवास्तव जी से लेकर कई अन्य लोगों को हार्ट अटैक के कारण खो दिया, ऐसी चीज़ें निकल के आई सामने। अब कहा जा रहा है कि धूम फिल्म जो आई थी उसके डायरेक्टर हैं संजय, जिनका उम्र 56 ईयर बताई जा रही है, कहा जा रहा है कि उनकी भी डेथ हो गई है, वो भी हार्ट अटैक के कारण। और ये खबर सुनकर पूरी इंडस्ट्री शॉक है कि एक अच्छा खासा इंसान को हार्ट अटैक आ गया और कोविड-19 के बाद ये केसेस कैसे बढ़ रहे हैं, इसका सवाल का जवाब। और इसी चीज को लेकर केआरके ने भी एक ट्वीट करके सवाल उठा दिया भैया कि कोविड-19 के बाद ये हार्ट अटैक के मामले क्यों बढ़ रहे हैं। आखिरकार इंडस्ट्री के अंदर लोग हेल्दी रहते हैं, लोग कहीं ना कहीं अपने डाइट से लेकर अपने स्टाइल पर पूरा फोकस करते हैं, अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करते हैं अपने शरीर पर उसके बाद भी हार्ट अटैक के मामले किसी को नहीं छोड़ रहे। आम जनता हो या इंडस्ट्री का जाना माना शख्स हो या फिर पैसे वाला हो या गरीब हो, हार्ट अटैक सबको आ रहा है। तो कोविड-19 के बाद इतने सारे हार्ट अटैक के मामले जो बड़े हैं, सवाल अपने आप उठता है कि आखिरकार एक और शख्स को हमने खो दिया जो बड़ा डायरेक्टर बताया जाता है, क्योंकि धूम फिल्म छोटी फिल्म नहीं थी, बहुत बड़ी फिल्म थी। और सुशांत मामले की बात करें तो वो मामला तो आज भी पेंडिंग है, मामले के बारे में बात होती है, मामले को मिस्टीरियस बताया जाता है और आज भी लोग सवाल उठाते हैं, लगातार सोशल मीडिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं। भैया जिनका नाम एनसीबी की चार्जशीट में था वो आराम से एंजॉय कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि सुशांत मामले का क्या होगा? पर उसी के साथ साथ ये हार्ट अटैक के मामले क्यों आ रहे हैं, इसको भी कहीं ना कहीं देखना चाहिए सरकार को। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, मिलेंगे बहुत जल्दी। साथ में आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हम मिलते हैं बहुत जल्दी और साथ ही साथ आप हमारे नए चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं, सागर भल्ला रिव्यू, और दूसरी तरफ फेसबुक का भी नया चैनल आ चुका है सागर भल्ला, उसके साथ भी जुड़िएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद।